आप सबका स्वागत है मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। मैं शीश पर चौहान, आज मैं आप सब के लिए प्रोनाउंस लेके आया हूँ। और इससे पहले कि हमने अब तक नाउन डिस्कस किए थे, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउंस सेकंड प्लेस पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि हम प्रोनाउंस को यूज़ क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड व्हाई प्रोनाउंस आर यूज। ये जानने के लिए कि हम प्रोनाउंस को क्यों यूज़ करते हैं, तो ये कुछ सेंटेंसेस पढ़िए। मोनिका गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनिका वॉशेस हर फेस। देन मोनिका गोज़ टू ए नियर बाई पार्क। मोनिका डज जॉगिंग एक्सरसाइजेज देयर। प्यारे विद्यार्थियों, आप उपरोक्त सेंटेंसेस में देख रहे हो मोनिका कितनी बार रिपीट हुआ है। मोनिका गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मोनिका, देन मोनिका, एंड दिस इज ऑल्सो मोनिका। मोनिका डज जॉगिंग एक्सरसाइजेज। इन एवरी सेंटेंस वी हैव यूज मोनिका। सो टू अवॉइड रेपिटिशन वी यूज प्रोनाउंस। नाउन के रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। आई थिंक द आंसर इज क्लियर इफ यू हैव रेड द अबव सेंटेंसेज केयरफुली। यू मस्ट हैव सीन द रेपिटिशन ऑफ द वर्ड मोनिका इज ऑड इन द अबव सेंटेंसेज। इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ग्रामर। द वर्ड मोनिका इज ए नाउन एंड द वर्ड विच should be used in place of Monica is she. What is the conclusion now? To avoid repetition of a noun, we use pronouns in our speech or writing. What is a pronoun? Pronoun kya hota hai? The words which are used in place of noun are called pronoun. Nouns ki jagah, sangyaon ki jagah jo shabd use kiye jate hain unhe pronouns kehte hain. Let's discuss the kinds of pronoun. Personal pronoun. These pronouns are used in place of persons or things. इस तरह के प्रोनाउनों के लिए या चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The examples are he, she, it, I, you, etc. ये सभी personal pronouns हैं। There are three kinds of personal pronouns. Number one, first person, then second person and third person. तीन तरह के personal pronouns होते हैं, first person, second person और third person. फर्स्ट पर्सन में लेते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं यू, योर, योर्स। एंड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स आर ही, शी, इट, हिज, हिम, हर, दे, देयर, देम, देयर्स, हर्स, माइन। दीज आर आल्सो प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर फॉर दिस, दीज, दैट, दोज। दिस एंड दीज शो नियरनेस एंड दैट एंड दोज शो डिस्टेंस। दीज आर रोटन मैंगोज and those are my friend. Introduce कर सकते हो आप ऐसे, this is my friend Amit. Interrogative pronouns. These pronouns are used to make questions. What, who, which, etc. जैसे what do you want? Whom do you want to meet? ये सारे interrogative pronouns. Reflexive pronouns. These pronouns are used to lay stress on the pronouns. Reflexive pronouns का प्रयोग किसी एक्शन पे या प्रोनाउंस पे एम्फसाइज करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आई माई सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द इन्विटेशन कार्ड। जैसे कोई कहना चाहता है कि जितने भी इन्विटेशन कार्ड थे वो मैंने स्वयं बांटे हैं। स्वयं यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया गया है वो एक बल दे रहा है कि वक्ता दिखाना चाहता है कि मैंने ही बांटे और किसी और ने नहीं। I myself means swam. Possessive pronouns, such pronouns show possession. तो ये pronouns possession show करते हैं। इनमें possessive adjective की category में आते हैं my, his, her, your, our, etc. और pure possessive pronouns केवल mine, yours, hers, his, theirs में आते हैं। जैसे this book is mine. Indefinite pronouns. Used in place of nouns that are not definite or specific in number. ऐसे pronoun जो specific नहीं है, व्यक्तियों को या किसी चीज़ों को represent करते हैं परंतु उनका number ज्ञात नहीं है कि वो कितने हैं। जैसे आप कहते हो all, सभी वहाँ उपस्थित थे, all were present there, many went away, बहुत से चले गए, several, many, these are pronouns, but they are called indefinite pronoun.
The following words are used as both indefinite pronouns and determiners. कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको indefinite pronoun के रूप में भी use किया जा सकता है और ये कई बार indefinite adjective भी बन जाते हैं जैसे all, some, many, everyone, each, several, none, either, neither, any. ये determiner भी होते हैं और ये pronouns भी बन जाते हैं. Example, all were present in the meeting. All pronoun है यहाँ because all is followed by verb. All के बाद एकदम verb है जो कि verb है. है all pronoun का काम कर रहा है. अगर आप कहते हो all the boys were present in the class, all determiner बन चुका है क्योंकि ये boys को qualify कर रहा है. तो इस तरीके से ये कुछ pronouns determiner का भी काम करते हैं. Relative pronouns. These are the pronouns as well as conjunctions. They establish the relationship of a noun with the one preceding it. The boy who is wearing a red cap is Mr. Khannasan. उदाहरण के तौर पे लेते हैं. The boy who is wearing a red cap is Mr. Khannasan. और relative clause जो adjectival clause होती है उसको introduce करते हैं. For example, the boy who is wearing a red cap is Mr. Khannasan. तो यहाँ पे who relative pronoun है and it is introducing adjectival clause who is wearing a red cap. The other relative pronouns are which, whose, whom, that. तो कुछ और भी relative pronouns हैं जैसे कि which, whose, whom और that. First person में I singular subject बनता है और we plural subject बनता है और second person में you singular subject भी है और you plural subject के रूप में भी आता है. थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही सी इट आते हैं जबकि दे प्लूरल सब्जेक्ट बनता है और फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट मी और अस हैं. सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट यू और यू हैं और थर्ड पर्सन में हिम हर इट देम. फर्स्ट पर्सन में पोजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं माई आवर. सेकंड पर्सन में पोजेसिव एडजेक्टिव्स कैटेगरी में आते हैं योर और थर्ड पर्सन में पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आते हैं हिज हर इट्स देयर. और पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में फर्स्ट पर्सन में माइन और आवर्स हैं. सेकंड पर्सन में योर्स हैं और थर्ड पर्सन में हिज हर्स और देयर्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी के फर्स्ट पर्सन के हैं माई सेल्फ आवर सेल्फ. सेकेंड पर्सन के हैं योर सेल्फ योर सेल्फ. थर्ड पर्सन के हैं हिम सेल्फ हर सेल्फ इट्स सेल्फ themselves. प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आप सबको एक्सरसाइज देता हूँ जिसमें आपको प्रोनाउंस अंडरलाइन करने होंगे. पहला सेंटेंस है दे आर themselves responsible फॉर देयर लॉस इन बिजनेस. सेकंड सेंटेंस है शी हैज नॉट स्पोकन टू हर फादर अबाउट हर ट्रिप टू अब्रॉड येट. थर्ड सेंटेंस है वी हैव लर्नड आवर लेसन. फोर्थ बिसाइड्स इट यू विल आल्सो हैव मैनी अदर थिंग्स.